क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहले इसको ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज एक तो मैं तुमको लेटर लिखूंगा, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। एक मैं तुमसे बात कर रहा हूं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन एक प्रकार का ओरल कम्युनिकेशन है जिसमें या तो स्पोकन रिटन वर्ड से ज्यादा तुम सोचो कि स्पोकन वर्ड है, रिटन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। स्पोकन वर्ड है जिसमें बात हो रहा है, ठीक है। टॉकिंग एंड लिसनिंग मतलब कोई बड़बड़ करेगा और कोई सुनेगा, उसमें तुम्हारे टेलीफोन टॉक्स, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, अलग अलग, जिसमें लिखने का काम नहीं बोलने का काम है। पहला लॉजिक समझ में आया कि बिजनेस कम्युनिकेशन में ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन एक प्रकार का कम्युनिकेशन है जिसमें बोलकर और सुनकर कम्युनिकेशन और जवाब रिप्लाई देकर किया जाता है। क्या यहाँ पे सब लोग क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन के जो फीचर्स है वो मैंने एक वीडियो डालूंगा जिसमें ओरल और रिटन का एक डिस्टिंग्विश दिया है, वो ही ओरल कम्युनिकेशन के फीचर्स होंगे। अभी हम जो ले रहे हैं वो मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है। लेट अस सी। पहला पॉइंट, इंस्टेंट फीडबैक। अब तुम एक दुकान में गए, तुमने बाटा का शूज देखा, उसने बोला कि ये स्पोर्ट्स शूज है। तुम उसको पूछते हो, भाई तुम्हारे पास टेनिस के अलग से शूज है, आजकल बास्केटबॉल के अदर अलग, क्रिकेट के अलग, टेनिस के अलग, तुमने सुना है अलग अलग प्रकार के शूज, यस सर। क्रिकेट के शूज में शायद स्पाइक्स रहता है, बॉक्सिंग के शूज में स्पाइक्स नहीं रहता है। तो तुम उसको पूछोगे, भाई ये कौन से टाइप का स्पोर्ट्स का है, तो वो तुमको बोलेगे। फिर तुम उससे प्राइस पूछोगे, फिर तुम उससे डिस्काउंट पूछोगे, वो तुमको जवाब देते जाएगा। लेकिन तुमने लिखित फॉर्म में पूछा, वो लिखित फॉर्म में जवाब देगा, फिर तुमको क्वेश्चन आएगा, फिर तुम ड्राफ्ट करोगे, बहुत टाइम लगेगा। सो रिटन कम्युनिकेशन में इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता है। ओरल कम्युनिकेशन में तुमने पूछा, अच्छा तुमने तुम सपोजिटली अकाउंट्स के मैनेजर हो, तुम एग्जीक्यूटिव को बोलते हो कि जाके बिल भर के आओ। वो पूछेगा तुमको, सर आज भरू क्या कल भरू? सर बोलेंगे आज भर, ठीक है ना। तो चेक से भरू क्या कैश से भरू? तुम समझ में आ रहे? तुरंत अकाउंट्स मैनेजर फीडबैक देते जा रहा है। सो इंस्टेंट फीडबैक। दूसरा, सेव्स टाइम। व्हाट इज दिस सेव्स टाइम? तुम जब लिखने जाओगे, अब ये लिखने जाओगे, पहली बार तो तुमको सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, सामने वाले के पास जाना पड़ेगा, या पोस्ट से भेजना पड़ेगा, स्टैंप लगाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डालना पड़ेगा, फिर वहां पहुंचेगा। सो इमेजिन करो, एक तो टाइम जाता है, एक कॉस्ट जाता है। नाउ इंस्टेंटली तुमने फोन कर दिया, सामने वाले को बोला और सामने वाले ने रिप्लाई किया, तुम्हारा टाइम बचता है। रिटन कम्युनिकेशन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स, टाइम सब बर्बाद जो होने से बच जाते हैं। क्या सब लोग क्लियर है? यस और नो? यस सर। सेव्स मनी। अब सिंपल सा हिसाब है, तुमको एक स्पीड पोस्ट करना है तो 40 से 50 रुपए लग जाएगा, ठीक है। पर उसके अलावा तुम गाड़ी से जाओगे पोस्ट ऑफिस, तुम्हारा पेट्रोल का चार्ज, तुम्हारा एम्प्लॉय समय देगा वहां पे, उसका पगार उतना देना पड़ेगा, फिर तुमको एनवलप खरीदना पड़ेगा, तुमको कागज लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास प्रिंटिंग मशीन होना चाहिए, उसमें प्रिंटर में टोनर होना चाहिए, इंक होना चाहिए, प्रिंट आउट निकालोगे, फोल्ड करोगे, चिपकाओगे, उसके लिए गम चाहिए, कभी कभार पोस्ट ऑफिस में गम रहा नहीं रहा है तो स्टेपल करोगे तो स्टेपलर चाहिए। हर जगह पे खर्चा है ना। तुम बोलोगे ज्यादा खर्चा, मानते छोटे छोटे खर्चे, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे रहते हैं। तुमको पता है, एक जैसे तुम्हारा मार्कशीट आता है वैसा टाइप का एनवलप भी 5-10 रुपए का मिलता है। वो 10 रुपए का एनवलप, उसके बाद तुम फेविकॉल लो या फेविक्विक या गम लो, उसके बाद प्रिंट आउट लो, कागज लो, उसके बाद प्रिंट आउट करो, उसके लिए इंक लगेगा, फिर पेट्रोल लेके जाओ, फिर वो लाइन में खड़े रहो, फिर उसमें स्टैम्प्स लगाओ या उसको 50 रुपया दो, और फिर तुम वापिस आओ पेट्रोल से। सो बहुत सारा कॉस्ट लगता है। उससे अच्छा ओनली फोन करके बोलना, एनी टाइम अफोर्ड होता है कंपनी को। इफेक्टिव क्यों इफेक्टिव है? क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है कुछ सामने, मतलब जो भी है ना मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑफकोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार बोलने से भी होती है, लेकिन क्लियर भी तुरंत किया जा सकता है ना। इफेक्टिव क्यों है? अब सेल्समैन कन्विंस कैसे करता है? अब जैसे तुम गए दुकान में कुछ खरीदने,
तुम ये दुकानदार है और तुम रिसीवर हो, तुमने बोला कि भाई मेरे को चाय चाय पत्ती चाहिए, बराबर है। अब दुकानदार यदि होशियार होगा तो वो क्या बोलेगा, आपको स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है कि लाइट पसंद है, तुमने बोला स्ट्रॉन्ग। एक वाघ बकरी चाय सुना है तुमने, वाघ हाँ बकरी सर, चाय सुना है, वो स्ट्रॉन्ग चाय है। देन ताज थोड़ा सा लाइटर वर्जन में, देन सपोर्ट अपना है, सोसाइटी है, तो वो तुमसे बात करके तुरंत तुमको क्या चाहिए भापेगा और तुमको वो दे प्रोवाइड कर देगा। सो इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। कैसे होता है कि थोड़ा पर्सनल भी हो जाता है, जैसे इनफॉर्मल भी हो जाता है। जैसे तुम दुकान में गए और तुमने कुछ वस्तु देखा, वो थोड़ा सा बोलेगा कि सर आपके स्किन के हिसाब से, अब जैसे थोड़ा डार्क स्किन आदमी है, ठीक है ना, उसको तुम ब्लैक कलर का टी शर्ट नहीं बेचोगे, थोड़ा व्हाइटिश, थोड़ा लाइटिश कलर, तो तुम उसको बताओगे शायद सर ये आपको ज्यादा सूट कर रहा है। एक प्रकार का फीलिंग्स है, इमोशंस है, ठीक है ना। तुम जब जाते हो तो एक प्रकार का इनफॉर्मल, ऑफकोर्स वो बात फॉर्मल करेगा लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताएगा, ये आपके पर्सनैलिटी को सूट करेगा, मतलब तुम्हारे इमोशंस को टच करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा इनफॉर्मल भी होता है कम्युनिकेशन का, फ्लेक्सिबल। जैसे तुम बात कर रहे हो इंग्लिश में, वो बात कर रहा है हिंदी में, या तो तुम हिंदी में बोलो या तो वो इंग्लिश में बोले, ठीक है ना। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तुमने लिखा इंग्लिश में, भाई को इंग्लिश आती नहीं है तो गड़बड़ी हो गया कम्युनिकेशन का, वो किसी और से पढ़वाएगा, सीक्रेट लिखा होगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा शब्द का लैंग्वेज तुम फ्लेक्सिबल रख सकते हो, सेंडर और रिसीवर आपस में बातचीत करके एक दूसरे को एडेप्ट कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज मिलता है ओरल में। रिटर्न में तुमने लिख दिया उसको तुम फ्लेक्सिबल कैसे करोगे, जो तुमने लिखा है वो तो लिखा है, उसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियल मैसेज, अच्छा लिखित फॉर्म के कम्युनिकेशन कभी कभार लीक हो सकते हैं, बट ओरली तुमने किसी को बोल दिया तो वो एक प्रकार का सीक्रेट रहता है, क्योंकि उसको कहीं से लिखित फॉर्म, कहीं भी पेपर किसने चोरी कर लिया, लीक हो गया तो पकड़ा जाता है सीक्रेसी। लेकिन तुमने शब्द से बोला और सामने वाले ने किसी और को नहीं बताया, तो सीक्रेसी पूरा मेंटेन रहता है। तो कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट मैसेजेस ओरल कम्युनिकेशन में मेंटेन रह सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन वॉर में क्या होता है, कई बार रिटर्न से ज्यादा ओरली मैसेज देते हैं ताकि कहीं पे भी प्रूफ ना रहे। नेक्स्ट कन्विंसिंग, सीधा हिसाब है, सामने वाले को कन्विंस करने का तरीका राइटिंग से ज्यादा ओरल है, इसलिए तो तुम काउंसलिंग लेते हो। काउंसलिंग क्या होता है, एक प्रकार का ओरल कम्युनिकेशन रहता है जिसमें वो तुमसे बात करता है, तुम्हारे स्ट्रेंथ वीकनेस जानता है, तुम क्या करना चाहते हो वो पूछता है। सो देखा जाए तो कन्विंसिंग काउंसलिंग, इसमें रिटर्न से ज्यादा ओरल कम्युनिकेशन जहाँ पे रीजनिंग और लॉजिक दोनों लागू होता है। आया समझ में। सो ओरल कम्युनिकेशन एकदम बोलते ना, जहाँ पे सामने वाले को ऑर्डर देना है तो वो लिखित फॉर्म में देना पड़ता है क्योंकि प्रूफ लगता है उधर। लेकिन बाकी तुम गाड़ी देखने आए हो या कुछ तुमको प्रिंसिपल को बोलना है कि लेक्चर जाके लेना है, वो सब में ओरल कम्युनिकेशन जिसमें टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है, फटाफट हो जाता है। क्या सबको समझ में आया ये मेरिट्स ऑफ ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन का? क्लियर सबको? यस सर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।